नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम कार्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे बने क्वेश्चंस जो आपके एसएससी, सीएचएसएल, बैंक, यूपीएससी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। एटा में दुष्कर्म के बाद हत्या आरोपी गिरफ्तार। क्वेश्चन है हमारा, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में सजा के लिए कौन सी धारा लागू होती है? ऑप्शन ए पाक्सो, ऑप्शन बी धारा 151, ऑप्शन सी धारा 323, ऑप्शन डी धारा 420। पाक्सो का अर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये प्रस्ताव संसद ने 2011 में पारित कर दिया था, जिसे 22 मई 2012 से पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू है। लेकिन इस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करने की जम्मू कश्मीर से ही मांग उठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 में राष्ट्रमंडल के खेलों की निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर किस राज्य की निवासी हैं? ऑप्शन ए आगरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी चरखी दादरी हरियाणा, ऑप्शन सी मधेपुरा बिहार, ऑप्शन डी दतिया मध्य प्रदेश। देश की पहली महिला भी चक्री दादरी हरियाणा से संबंधित हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में स्वर्ण पदक जीता था, जिनका नाम गीता फोगाट है। इनकी बहन बबीता फोगाट भी इनसे पीछे नहीं रही और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, भारत स्वीडन स्मारक साझेदारी के लिए राजी। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से लगभग 30 वर्ष पूर्व स्वीडन की यात्रा की? ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी आई के गुजराल। और आपका आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। स्वीडन में राजतंत्र व्यवस्था है। इस समय राजा काल सोलवे गुस्ताफ राज कर रहे हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री लोवेन हैं। स्वीडन के राजा और भारतीय प्रधानमंत्री के नवाचार, निवेश, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग आदि देशों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए सहमति भी जताई है। नेक्स्ट, मुक्केबाज मैरी कॉम का सपना ओलंपिक स्वर्ण पदक। क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली महिला मुक्केबाज जिसने गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता कौन है? ऑप्शन ए बबीता फोगाट, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी गीता फोगाट, ऑप्शन डी मैरी कॉम। और आपका आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम मणिपुर राज्य की निवासी हैं और इनके पति अजय सिंह मैरी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। इनका लक्ष्य है 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना है। नेक्स्ट, कार उत्पादन में चीन सबसे आगे। क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार कार उत्पादन में एशियाई सूची में तीसरे और वैश्विक सूची में चौथे स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी भारत। और आपका आंसर है ऑप्शन डी भारत। गत वर्ष दुनिया में 7.34 करोड़ कारों का उत्पादन हुआ है, जिसमें से अकेले चीन की लगभग 2.5 करोड़ कार शामिल है। इस मामले में दूसरे स्थान पर जापान है, वहीं भारत एशिया और वैश्विक सूची में तीसरा और चौथा स्थान रखता है। नेक्स्ट, विश्व विरासत सूची में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 स्मारक स्थित हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी झांसी। और आपका आंसर है ऑप्शन सी आगरा। 1983 में यूनेस्को की 22वीं आम सभा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम पीढ़ियों के लिए धरोहर रखी गई थी। यूनेस्को ने जुलाई 2017 तक विश्व के 1073 स्मारकों को स्थलों को विश्व विरासत घोषित किया है, जिसमें 150 देश स्थित हैं। इसमें 36 स्थलों के साथ भारत 6वें पायदान पर है। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।